तो दोस्तों यहाँ पर भैया जी आए हुए हैं, मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है और भैया सप्लीमेंट लेके गए थे। सप्लीमेंट्स मिला से देखो क्या सिट्रुलिन मोलेट ये लेके गए थे सप्लीमेंट्स मिला से। अब भैया को कुछ शिकायत है, वो शिकायत भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। भैया क्या शिकायत? ये जम गया है, ये जम गया है भैया कह रहे हैं। क्या नाम भैया का? प्रदीप। भैया कैसा लगा यहाँ के बताओ पहले? बढ़िया। अब भैया कह रहे हैं कि जम गया है, भैया क्या इसे ले सकता हूँ नहीं ले सकता? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट हवा के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्रिएटिन, सिट्रुलिन, BCAA, EAA और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जम सकते हैं। पर अब आपको ये लेना है या नहीं लेना मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपका सिट्रुलिन या क्रिएटिन जम गया है पर वो पानी में इजीली घुल रहा है, थोड़े एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि भाई जो गांठ बन गई है उसमें, पर अगर वो घुल रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। पर अगर वो घुल नहीं रहा, नीचे बैठ रहा है और प्लस में टेस्ट में कुछ अलग चीज आपको फील हो रही है तो फिर आपको वो नहीं लेना है। और एक और चीज बता दूं, सिट्रुलिन या फिर जो क्रिएटिन वगैरह चीज होती है इनको लंबे टाइम तक रखना नहीं चाहिए सील ओपन होने के बाद, ठीक है भैया? घुल रहा है वैसे वो? हाँ घुल रहा है। घुल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं। टेस्ट भी वो चाहिए नहीं, टेस्ट भी सेम है, वो खट्टा खट्टा सा, खट्टा खट्टा टेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिट्रुलिन आप ले सकते हैं। तो आप भी अगर सिट्रुलिन ले रहे हैं तो ध्यान रखें वो जमने की कॉमन चीज है, वो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बस वो घुलना चाहिए और टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए।